हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन जीके। तो गाइस, इस वीडियो में हम पंजाब की हिस्ट्री का पार्ट टू करेंगे। पार्ट वन मैंने कल आपको करवा दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो गाइस, कल हमने क्या किया था, कल हमने पढ़ा था फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब, ठीक है, पंजाब के बारे में डिटेल में पढ़ा था, और साथ में हमने पढ़ा था पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ पंजाब बिफोर गुरु नानक देव जी। तो ये दो चैप्टर हमने कल करे थे, आज हम करेंगे गुरु नानक देव जी एंड हिज टीचिंग। श्री गुरु नानक देव जी के बारे में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और उनकी टीचिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो गाइस, आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, जैसे पीपीएससी, पीसीएस पंजाब, उसके बाद इलेक्शन कानून को, ठीक है, पंजाब ट्रिपल एस बी में, उसके बाद क्लर्क, उसके बाद एक्साइज इंस्पेक्टर, और अदर जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं पंजाब के आने वाले, सभी के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट गुरु नानक देव जी के बारे में इम्पोर्टेंट बातें पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। इसको रिलीजियस तौर पे मत लिया जाए, यानी कि इसको धार्मिक तौर पे मत लिया जाए, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपको धार्मिक तौर पे बता सकूं, ठीक है, सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट बातें। तो आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो गाइस, चलिए शुरुआत करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी, आप सभी को पता है कि जो सिखों के फर्स्ट गुरु हैं, सिख पंथ की स्थापना किसने करी, श्री गुरु नानक देव जी ने करी, ठीक है। इनका जन्म के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है, कई इतिहासकार कहते हैं कि इनका जन्म इस डेट को हुआ था, कई दूसरी अलग डेट बोलते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है 1469 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में, उस समय उस जगह का नाम था तलवंडी, ठीक है, तलवंडी उस जगह का नाम था, लेकिन अब नाम चेंज हो गया, अब नाम रखा गया उन्हीं के नाम पे ननकाना साहिब, ठीक है। तो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अब इनके पिताजी का नाम था मेहता कालू और माताजी का नाम था तृप्ता देवी, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी बनता है। उसके बाद इनका इनके पिताजी जो बिलोंग करते थे वो वैदिक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, तो मिडिल क्लास के से बिलोंग करते थे इनके पिताजी। चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, तो गाइस देखिए, श्री गुरु नानक देव जी बचपन से ही बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, बचपन से ही, ठीक है, इनका मन नहीं लगता था किसी भी काम में, बस इनको भगवान के सिमरन, नाम सिमरन में इनका मन लगता था, दुनियावी कामों में इनका जो मन था वो कम लगता था, दान करने में इनका दिल ज़्यादा करता था, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए इनके माता पिता इनको भेजते थे तो ये लोगों को दान कराते थे, अपना फ़ायदा सोचे बिना जो लोगों को दान करते थे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज के बारे में। तो गाइस, इनकी जो मैरिज, आपको मैंने बता दिया कि इनका दुनियावी कामों में कम नाम इनका मन नहीं लगता था, इसकी वजह से इनके माता पिता जी ने सोचा कि इनकी शादी करवा देते हैं, और इनकी 14 साल की आयु में इनकी शादी करवा दी गई। शादी इनकी हुई बीबी सुलक्खनी जी से, ठीक है, बीबी सुलक्खनी जी से इनकी शादी करवा दी गई, जो कि बटाला गुरदासपुर से की रहने वाली थी, ठीक है, बटाला शहर है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का, जो इस हमारे पंजाब में आपको पता ही है, हर साल जहाँ पे बाबे दा व्याह के नाम से मेला भी लगता है, आप सभी को पता है, आप में से काफ़ी लोग गए भी होंगे, ठीक है। तो इनके इनके जो दो सन थे, दो इनके चाइल्ड थे, बाबा श्री चंद और बाबा श्री लक्ष्मीदास। बाबा श्री चंद के बारे में आपको बता दूँ, इनका जो इनकी समाधि है वो पठानकोट का एक शहर है, पठानकोट की एक जगह है बाड़ साहिब, ठीक है, बाड़ साहिब वहाँ पर इनकी समाधि है, काफ़ी बड़ी समाधि है, काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है वहाँ पर, काफ़ी लोग वहाँ देखने आते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप भी वहाँ देखने जा सकते हैं। अब बात करते हैं उदासियाँ, तो गाइस श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में बहुत सारी उदासियाँ की। सबसे पहले बात करते हैं उदासियाँ हैं क्या। एक क्वेश्चन आया था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, उसमें पूछा गया था कि गुरु नानक देव जी ने कितनी उदासियाँ करी। तो गाइस उदासियाँ हैं क्या, जितनी भी यात्राएँ गुरु नानक देव जी ने करी अपने जीवन में, उनको ही उदासियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गाइस इन्होंने अपने जीवन में उदासियाँ करी 5, कई इतिहासकार 3 बोल रहे हैं, कई 2 बोल रहे हैं, लेकिन जो अप्रूवल है वो है 5, इन्होंने 5 उदासियां करी, ठीक है। तो उदासियों में इन्होंने लोगों को बताया किस तरह से परमात्मा पर विश्वास किया जाए, अंधविश्वासों से दूर रहिए, ठीक है, रीति रिवाज जो पुराने जो अंधविश्वास वाले रीति रिवाज उनको छोड़िए, परमात्मा का सिमरन करिए, तो काफ़ी कुछ इन्होंने बताया। अब बात करते हैं श्री गुरु नानक देव जी करतारपुर रहे, ठीक है, करतार इन्होंने 1522 से लेकर 39 तक करतारपुर रहे, करतारपुर पट जलंधर या फिर कपूरथला की कोई शहर है, मुझे कंफर्म नहीं है, जलंधर या फिर कपूरथला का कोई एक शहर है करतारपुर, ठीक है। तो गाइस करतारपुर रहे जे अपनी, जब तक जे ज्योति जोत नाश मांगे तब तक जे करतारपुर ही रहे। करतारपुर में इन्होंने बाणी लिखी, ठीक है, इंपॉर्टेंट बाणी जो आ सकती हैं एग्जाम में वो है वार मल्हार, ठीक है, वार मच बार अशा जपूजी साहिब, वेरी इंपॉर्टेंट,
कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जपूजी साहिब की रचना किसने करी, तो गाइस जपूजी साहिब की रचना करी थी श्री गुरु नानक देव जी ने। उसके बाद ओंकार, पट्टी, थिट, बारामाह, ठीक है, ये इन्होंने सभी करतारपुर में लिखी, करतारपुर में ये बाणियाँ इन्होंने रची, ठीक है। तो काफ़ी एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा जाता है कि सभी जो है इनकी रचनाएं इनको आप याद कर लीजिए। अब बात करते हैं कि इन्होंने ज्योति जोत कब समाई जी, तो गाइस गुरु नानक देव जी ज्योति जोत समाए थे 22 सितंबर 1539 में ज्योति जोत समा गए, ठीक है। इनको बाबा नानक शाह फकीर के नाम से भी पुकारा जाता है, हिंदुओं के जो गुरु, हिंदू इनको गुरु कहते थे और मुसलमान इनको पीर कहते थे, ठीक है। सिख उस समय नहीं थे, आपको पता ही है, सिख 1699 में सिख धर्म जो होन में आया था, ठीक है, आपको इसके बारे में पता ही है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, जो जब इन्होंने ज्योति जोत समाना था उससे पहले इन्होंने सेकंड गुरु की घोषणा कर दी। सेकंड गुरु कौन थे, वो थे भाई लहना, जो कि बाद में श्री गुरु अंगद देव जी के नाम से जानेंगे। इनका पहला नाम था भाई लहना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिखों के सेकंड गुरु थे श्री गुरु अंगद देव जी, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी। तो गाइस श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा टीचिंग दी, हम सबको बहुत ज़्यादा टीचिंग दी। इनकी टीचिंग पर आप पूरा सिख धर्म चल रहा है, आप सभी को पता ही है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ठीक है, तो वो हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि द यूनिटी ऑफ गॉड, इन्होंने बताया कि परमात्मा एक है, ठीक है, परमात्मा एक है, परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में है। और इन्होंने बताया गॉड इज एवरीवेयर, परमात्मा हर जगह पे है। परमात्मा ये नहीं है कि परमात्मा किसी खास जगह पे है, किसी मंदिर में है, किसी गुरुद्वारे में है, ठीक है, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, परमात्मा हर जगह पे है। परमात्मा कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे परमात्मा नहीं है, ऐसा इन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद इन्होंने बताया गॉड इज ग्रेट एंड सुप्रीम, परमात्मा सबसे बड़ा है, परमात्मा सुप्रीम है, सबसे शक्तिशाली है परमात्मा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया गॉड इज फॉर्मलेस, ठीक है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा की कोई शेप नहीं है, परमात्मा का कोई कलर नहीं है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा हमारे अंदर है, जी इन्होंने बताया। उसके बाद गॉड इज मर्सीफुल, परमात्मा दयावान है, परमात्मा दयावान है, परमात्मा सबको माफ़ करता है, बहुत बड़ा दिल है परमात्मा का। इस तरह से उन्होंने परमात्मा के बारे में बताया, हमको उनकी शिक्षा पर चलना चाहिए, मैं तो आपको यही कहता हूँ, मैं भी फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हुक्म ऑफ गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, ठीक है। गुरु नानक देव जी ने बताया कि हमें परमात्मा के हुक्म में रहना चाहिए, उसके हुक्म के बिना हमें नहीं रहना चाहिए, उसके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो भी दुनिया में कोई भी काम होता है वो परमात्मा के हुक्म के बिना होता है, इसलिए हमें उसके हुक्म में ही रहना चाहिए। हमें खुद में ईगो नहीं लानी चाहिए, ठीक है, हमें अच्छे काम करने चाहिए। जपूजी साहब का उन्होंने बताया कि जपूजी साहब का ज्ञान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और परमात्मा को याद करना चाहिए। तो गाइस इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दी हैं। कुछ बातें हो सकता है मिसिंग हो, लेकिन मैंने कोशिश करी है कोई भी बात मिसिंग ना हो, क्योंकि हमने पूरा इनके बारे में पढ़ लिया। गुरु नानक देव जी के बारे में पूरा रिलीजियस तौर पे, धार्मिक तौर पे एक्सप्लेन करना मेरे बस में नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं धार्मिक तौर पे तो आप गाइज खुद भी पढ़ सकते हो, मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया। तो गाइज एक बात है, इस वीडियो से मैं एक बात सीखी है कि देखिए गुरु नानक देव जी ने जो हमें सिखाया, हमको उनकी बातों पे अमल करना चाहिए, उनकी बातों में चलना चाहिए, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और गाइज कमेंट करके आप बता सकते हैं, कोई भी आपकी क्वारी है आप पूछ सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।